We are continuing our chapter garbage in garbage out. So in our first video we have already studied कि किस प्रकार से ये जो garbage है, ये जो waste है, ये कैसे produce होता है, ये कैसे generate होता है और इसके types कौन कौन से हैं, जो हमने पढ़ा था कल, biodegradable और non biodegradable. फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से हम इस waste को कम कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था जो कि 3 R's फार्मूला हम कहते हैं, 3 R वाला. तो आज हम शुरू करेंगे डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर, कुछ गार्बेज डिस्पोजल के कुछ मेथड्स यहाँ पर बताए गए हमारे सामने, वो है कंपोस्टिंग, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन. कंपोस्टिंग की बात करते पहले. कंपोस्ट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो कंपोस्ट इज यूज एज ए मैन्योर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल फेस्ट मटीरियल इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. अब आप जानते हैं जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट रहता है, यानी कि जो छिलके वगैरह सब्जियों के एट्सेट्रा जो खत्म हो सकते हैं अपने आप, जो डिग्रेड हो सकते हैं, जब हम इन सब का उपयोग करते हैं एक मैन्योर के तौर पर, इनको एक खाद के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए. जैसे आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है. लेकिन कंपोस्ट जो है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि तैयार किया जाता है ये वेस्ट मटेरियल से. तो इसको जो कन्वर्ट किया जाता है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के द्वारा. यानी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए इसको कंपोस्टिंग का नाम भी दिया जाता है. अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक गड्ढा बनाइए लगभग 30 सेंटीमीटर डीप इन अ कॉर्नर. एक कॉर्नर में 30 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा बना दीजिए आपके गार्डन के अंदर. और इवन आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं. और अगर आपको गड्ढा नहीं बनाना है तो एक बड़ा आप टब भी ले सकते हैं इस पर्पज़ के लिए. डंप द बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड, फॉलन लीव्स एंड सम सॉइल इन इट. इसके बाद क्या करिए, आप उस गड्ढे के अंदर कुछ मिट्टी डाल दीजिए और जितने भी जो डोमेस्टिक घर से निकलने वाले जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके हो गए या फिर कोई भी वेस्ट फूड हो गया, वो सब चीज़ें उसके अंदर आप डाल दीजिए सॉइल के साथ. व्हेन द पिट इज फुल एड अ फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर टू इट. जब ये पूरा भर जाता है पिट, तो उसके अंदर कुछ बाल्टी आप पानी की डाल दीजिए. देन कवर द पिट विद द लेयर ऑफ सॉइल, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड. अब उसको आप ढक के ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल के छोड़ दीजिए और लगभग 6 से 8 हफ्ते तक उसको छोड़ दीजिए. उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल हैव एक्टेड ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्टेड इट इनटू कंपोस्ट. द कंपोस्ट सो फॉर्म्ड कैन बी डग आउट ऑफ द पिट. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रभाव के कारण, उनके एक्शन के कारण, ये जो गड्ढे के अंदर जो हमने जो चीज़ें डाली थी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला था, वो सब कन्वर्ट हो चुका है कंपोस्ट के अंदर. अब उस गड्ढे में से आप कंपोस्ट को निकाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं अपने पौधों को ग्रोथ देने के लिए. तो इस तरीके से आप घर पे ही बिना किसी प्रकार के एक्स्ट्रा खर्चे के द्वारा आप वेस्ट को भी डिस्पोज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऐसी खाद तैयार कर सकते हैं जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है. मोस्टली हमने देखा है कि लोग जो है इस तरह की खाद जो है वो लेने जाते हैं, ये नर्सरी वालों के पास दुकानों पर लेने जाते हैं, तो वो लेने जाते हैं, हम वेस्ट से बनी हुई चीज़ें उनसे ख़रीदते हैं. तो ये चीज़ हम घर पे भी खुद भी तैयार कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में. द कंपोस्टिंग प्रोसेस कैन बी फास्टन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स. द टाइप ऑफ अर्थवॉर्म्स यूज फॉर कंपोस्टिंग आर कॉल्ड रेड वॉर्म्स. अब कंपोस्टिंग जो हमने खाद बनाने का जो प्रोसेस पीछे देखा कंपोस्ट बनाने का, उसको फास्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म्स की मदद से इसको फास्ट किया जा सकता है इस प्रोसेस को. और जो अर्थवॉर्म्स इसमें यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड वॉर्म्स. कौन से तरह के वॉर्म्स होते हैं, रेड वॉर्म्स जो कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर जो आप देख रहे हैं, दीज आर द रेड वॉर्म्स दैट आर यूज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग. ये रेड वॉर्म्स हैं. रेड वॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट डम्प्ड इन द लार्ज पिट विद इन द सॉइल. दीज रेड वॉर्म्स ईट द सॉइल अलॉन्ग विद द वेस्ट मटीरियल एंड कन्वर्ट दैम इन टू कंपोस्ट. द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. अभी जो गड्ढा जो हमने पीछे बनाया था कंपोस्ट तैयार करते हैं, उस गड्ढे के अंदर मिट्टी के साथ आप इन रेड वॉर्म्स को छोड़ दीजिए और ये रेड वॉर्म्स क्या करेंगे, मिट्टी और बाकी जो भी उसके अंदर आप जो वेस्ट डाला है उसको खा कर उसको ये बना देंगे कंपोस्ट के अंदर, उसको चेंज कर देंगे, प्रिपेयर कर देंगे कंपोस्ट. और इस तरीके से जो वॉर्म्स की मदद से जो कंपोस्ट तैयार होती है इसको कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग. अगला हमारा टॉपिक है लैंडफिल. तो हमने देखा किस प्रकार से हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. तो होपफुली आप घर पे अगर
आपके गार्डन है छोटा बड़ा, या आपके घर में पौधे रखे हुए हैं कुछ, तो उन गमलों में, उन पॉट्स के अंदर डालने के लिए आप जो घर पे ही खाद बना सकते हैं। लैंडफिल्स की बात करते हैं। लैंडफिल इज़ ए लार्ज लो लाइंग ओपन एरिया आउटसाइड ए सिटी और अ टाउन वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज डम्प्ड। द गार्बेज इज स्प्रेड आउट ऑन द लैंडफिल एंड कवर्ड विद द सॉइल। गार्बेज बरिड इन अ लैंडफिल सेज स्टेज इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। वेन द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फिल्ड अ पार्क मे बी डेवलप्ड ऑन इट। द इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंडफिल पार्क। तो आप देखिए, जो लैंडफिल, जैसे कि आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा, लैंड मतलब ज़मीन, फिल मतलब उसको फिल करना, किसी भी चीज़ को फिल करना। तो शहरों के बाहर बहुत जगहों पे हमने देखा है कि गड्ढे होते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी होती हैं, यानी कि मिट्टी जहाँ से कुछ लोग वहाँ से मिट्टी निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी वो पानी ढलान वाली जगह होने की वजह से जब बारिश आती है तो पानी के साथ मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इस तरह वहाँ पर गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं, काफ़ी लो लाइंग एरिया क्रिएट हो जाता है। तो उस लो लाइंग एरिया को भरने के लिए हम इस तरह के कचरे का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे शहरों में ऐसा किया भी जाता है। तो जब आप ये जो कचरा जो भी आप कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, गार्बेज जो कलेक्ट करते हैं सिटी से या शहर से छोटे बड़े जहाँ से भी, उसको वहाँ जाकर आप डंप कर दीजिए, यानी कि वहाँ फेंक दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गड्ढा भरने लगेगा, और गड्ढे के भरने के साथ साथ वो जो ज़मीन है वो आपके यूज़ करने लायक बन जाएगी। तो आप जब इसको भर देंगे अच्छे से, उसके बाद इसको एक ऊपर एक लेयर बिछा दीजिए मिट्टी की, और इस तरीके से आपका वो गड्ढा जो था वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। इस तरह का एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, द इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो इंद्रप्रस्थ पार्क है वो इसी तरीके का एक एग्जांपल है, यानी कि उसको लैंडफिल के द्वारा ही बनाया गया है। अब जो ज़मीन तैयार की गई उसके ऊपर गार्डन बना दिया गया है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंसिनरेशन। हॉस्पिटल वेस्ट इज हजार्डस टू हेल्थ इफ डम्प्ड इन द ओपन, सो इट नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ वेरी केयरफुली। सॉलिड वेस्ट लाइक सिरिंजेस एंड नीडल्स विच आर यूज इन हॉस्पिटल्स आर बर्नड एट अ हाई टेम्परेचर इन अ स्पेशल काइंड ऑफ फर्नेस कॉल्ड इंसिनरेटर। गार्बेज व्हेन बर्नड टर्न्स इनटू ऐश विच इज देन सेफली डिस्पोज ऑफ इन अ लैंडफिल। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट की बात की जाए, खासकर जो सिरिंज वगैरह होती हैं, नीडल्स वगैरह होती हैं, सुइयाँ जो हैं इंजेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको एक स्पेशल तरह की एक फर्नेस होती है, एक स्पेशल तरह का एक भट्टी होती है, उसके अंदर डाल के उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, इसको कहते हैं इंसिनरेटर गार्बेज। तो ये जो इंसिनरेटर है इसके अंदर जब इसको जलाया जाता है तो ये ऐश यानी कि बदल जाता है कि इसमें ऐश में, ऐश मतलब राख, राख बन जाती है, और इस राख का उपयोग किया जाता है लैंडफिल्स के लिए। Have you ever seen garbage heaps of dried leaves on the roadside being burnt? This is a dangerous practice. Do you know why? Burning of dried leaves produce smoke and gases that are harmful to health. We should try to stop such practices. Farmers too often burn husk, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. The farmers should take steps to convert these agricultural waste into useful compost. अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपने देखा होगा जगह जगह पर, बहुत जगहों पे हमने देखा है कि जो पेड़ों से गिरने वाले जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को सड़क के किनारे पे जो पेड़ लगे होते हैं वहाँ से गिरे हुए पत्तों को सफाई कर्मचारी जो है वो इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। इवन पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो अभी जैसे कि पराली जलाई जाती है, जो कि राइस फसल जो रहती है उसकी काटने के बाद जो नीचे का पार्ट बचता है उसको जला दिया जाता है, या फिर गेहूं में भी ऐसे होता है, ऊपर ऊपर से उसको काट लिया जाता है और जो बॉटम पार्ट रहता है उसको जला दिया जाता है। तो ये पराली जो जलाई जाती है, इसके जलाने से जो धुआं निकलता है इन पत्तों के या प्लांट्स के जलाने से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए और हमारे लिए जीव जंतुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और कर क्या सकते हैं हम इनको, जैसे कि हमने पीछे देखा ना अभी कंपोस्ट बनाने का तरीका वर्मी कंपोस्ट, उसी प्रकार से हम इनको कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से स्टेप उठाते हैं तो क्या होगा, इससे हमारा जो वेस्ट है उसका हमारे लिए फ़ायदा भी होगा, और हमारे वेस्ट को हमें जो जलाने से जो नुकसान होता है वो नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे में हमें ये प्रैक्टिसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं अभी प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक अ बून और अ कर्स। अब प्लास्टिक की जब बात आती है तो प्लास्टिक हमारे लिए एक तरह से एक वरदान की तरह भी साबित हुआ है और एक कर्स भी है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये वरदान ज़्यादा है या एक श्राप ज़्यादा है हमारे लिए।
अब आप देखिए जितनी भी चीज़ें आप अपने आजू बाजू, अभी प्रेजेंट में जैसे ही मेरे आप आवाज़ सुन रहे हैं, आपके आजू बाजू कितनी चीज़ें हैं जिनको आप देख रहे हैं और वो सब प्लास्टिक से बनी है। मुझे ज़रा नोटिफाई करिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपके आजू बाजू कितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो प्लास्टिक से बनी है। अब अगर बात करें तो हमारे आजू बाजू इवन डोर्स के ऊपर जो पीवीसी कोटिंग आती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। इवन आपके आजू बाजू आप देखो जितनी चीज़ें हैं हर एक चीज़ जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। कुर्सियाँ देखिए, टेबल देखिए, तो ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। इवन जो हर एक चीज़, बकेट्स हो गई, मग्स हो गए, जो हमारे किचन के अंदर यूज़ होने वाले वेरियस जो बॉक्सेज हैं रहते हैं, जो कंटेनर जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं खाने पीने की चीज़, वो सब भी प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक का यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बींग शेप्ड और मोल्डेड। तो ये जो वर्ड किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से, आपको याद रखना है। ग्रीक वर्ड है, वर्ड कौन सा है? प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस जो है उसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बींग शेप्ड और मोल्डेड, जिसको आप आसानी से मोल्ड कर सकते हो या कोई भी शेप दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। इट इज़ मेड अप ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से बनता है, और ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में हम करते हैं वो प्लास्टिक से बनी है आज। टूथब्रश, टॉयज, कैरी बैग्स, बकेट्स, वाटर बॉटल्स एंड मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मोनीटर, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, कार, किचन अप्लाइंसेज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं इनके अंदर प्लास्टिक का उपयोग किया ही गया है। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वी लिव इन प्लास्टिक एज। अगर हम ऐसा कहें कि हम प्लास्टिक एज में रहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ज़्यादातर चीज़ें तो प्लास्टिक की बनी है। आप देखिए ना अपने आजू बाजू क्या कुछ दिखेगा आपको। प्लास्टिक्स आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेपर क्लिप्स टू स्पेसशिप्स ड्यू टू द लाइट देयर लाइट वेट। अब लाइट वेट के कारण छोटी छोटी पेपर क्लिप्स से लेकर स्पेसशिप्स तक बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, इसका कॉस्ट बहुत कम है। आप देखिए एक लोहे का एक मेटल का आप मग लेने जाइए, मेटल की बाल्टी लेने जाइए, बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन एक प्लास्टिक की बाल्टी लेने जाइए आपको 180 रुपये में आपको मिल जाएगी मीडियम साइज़। एंड द रेजिस्टेंस टू वाटर, ये पानी के प्रति रेजिस्टेंट, यानी पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोहे की चीज़ रहेगी वो पानी में ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये पानी में ख़राब नहीं होगा। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। प्लास्टिक्स कैन बी गिवन एनी कलर एंड शेप एंड दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनीथिंग। प्लास्टिक को आप कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, और किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा होने का 4 कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला लाइट वेट, दूसरा लो कॉस्ट, तीसरा रेजिस्टेंस टू वाटर, और चौथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो प्लास्टिक्स आर वेरी ड्यूरेबल, ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि ड्यूरेबल बहुत लंबे, ख़राब ही नहीं होता है ये तो टूटता है भाई। जब इसको धूप बारिश में आप रखोगे तो शायद टूट भले जाए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब ये टूटने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं, इसको नुकसान होता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मौसम की मार पड़ती है, बहुत सारे उनको नुकसान पहुंच सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ऑल दिस इज़ मेड प्लास्टिक अ बून फॉर अस। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी अब तक, इन सब के देखने के बाद हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ अ बून फॉर अस, प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। प्लास्टिक्स डिग्रेड वेरी वेरी स्लोली। अब इसकी जो कुछ खामियों की बात करें तो प्लास्टिक जो है बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होता है, इस कारण से इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। प्लास्टिक का यूज़ जो है हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये प्लास्टिक की वजह से नहीं खड़ी हुई हैं, ये इस वजह से खड़ी हुई हैं कि हम प्लास्टिक को किस तरह से डिस्पोज करते हैं। अब देखिए प्लास्टिक को ऊपर हमने पढ़ा कि ये हमारे बून है, अगर ये बून यानी कि एक वरदान है तो ये नुकसान कैसे कर रहा है हमें? नुकसान करने का जो इसका कारण है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इसको डिस्पोज करने का तरीका है उसकी वजह से। अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बून से भी बढ़कर साबित होगा। तो प्लास्टिक को जो डिस्पोज करने का हमारा जो सिस्टम है, तरीका है, उसको हमें बदलना होगा। वी ऑफन टेक, अब हम प्लास्टिक को कैसे कैसे मतलब डिस्पोज करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि नुकसान कैसे हमारे लिए पहुंचाता है। वी ऑफन टेक प्लास्टिक कैरी बैग्स फॉर शॉपिंग, आफ्टर यूज वी जनरली थ्रो देम अवे, दिस प्लास्टिक बैग्स गेट इन टू ड्रेन एंड ब्लॉक दैम, एज अ रिजल्ट द डर्टी वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स दैट बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज, द ब्लॉक ड्रेन्स कुड कॉज फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग हैवी रेन्स। अब पन्नी जो हम बोलते हैं, प्लास्टिक बैग जो कि थैली बोलते हैं प्लास्टिक के, हम दुकान पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम में से 5% लोग भी बैग लेकर नहीं जाते होंगे। यानी कि अगर 100 लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनमें से 5 लोग ऐसे भले हों मुश्किल से वो भी जो बैग लेकर जाएं, ज़्यादातर 95% लोग बैग लेकर नहीं जाते हैं।
तो जब वो लोग नहीं जाते हैं लेकर, तो दुकान से हम सामान लेते हैं तो हम मांगते हैं उससे पॉलीथिन पॉलीबैग मांगते हैं, भले कोई सब्ज़ी लेने गए हैं, कुछ भी लेने गए हैं, तो जो पॉलीबैग हमको मिलता है उस पॉलीबैग को हम घर जाकर अपना सामान निकाल लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। अब वो फेंका हुआ बैग जो है वो किसी भी जगह पर जाकर फंस सकता है, जैसे कि ड्रेनेज जो रहता है हमारा, डर्टी वाटर जो सीवेज सिस्टम है उसमें फंस जाएगा। फंसने के बाद वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक के कारण जो पानी है वो सड़कों पे बहने लगेगा गंदा पानी, जिससे मक्खियाँ और मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियों का घर बनता है वो जगह। इसके अलावा वो जो ब्लॉकेज के कारण जो बारिश के समय पानी आगे नहीं जा पाएगा तो फ्लड जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। जो है इवन आप देखिए घर में खाते हैं तो पन तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। मैनी पीपल बर्न प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग विंटर, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस विच मे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स एंड कैंसर। इन दिस वे प्लास्टिक कैन बी अ कर्स। नहीं है आइज के लिए सेफ नहीं है, कैंसर भी इससे हो सकता है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक कैन बी अ कर्स फॉर अस। प्लास्टिक एक कर्स, एक श्राप की तरह से भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। यानी कि प्लास्टिक उस ऊपर हमने देखा वो बूंद था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हम उसको डिस्पोज करते हैं वो हमारे लिए कर्स साबित होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बेस्ड ऑन स्टार्च रादर देन पेट्रोलियम हैव बीन डेवलप्ड। दीज प्लास्टिक्स आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड आर इको फ्रेंडली। अब प्लास्टिक जो पेट्रोलियम से बनता है उसकी जगह हमने स्टार्च से बनाए जाने वाले प्लास्टिक की खोज की है। अब ये लगभग काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और जल्द ही ये डेवलप हो जाएगा और ये इको फ्रेंडली रहते। तो अगर इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हम डेवलप कर लें, प्लास्टिक डेवलप कर लें, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मिनिमाइजिंग द ओवरडोज ऑफ प्लास्टिक एंड डीलिंग विद गार्बेज। अब किस प्रकार से हम ओवरयूज जो प्लास्टिक का हम कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं और किस प्रकार से हम प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं गार्बेज जो है उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, ये यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। वी कैन मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स इन द फॉलोइंग। हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। पहली बात, यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू द मिनिमम। प्लास्टिक बैग का उपयोग कम से कम करिए, जितना कम हो सके उतना कम करिए। किसका यूज़? प्लास्टिक बैग का। दूसरा, जब आप मार्केट जाते हैं कुछ भी लेने, शॉपिंग करने जाते हैं, भले आप मॉल्स में जा रहे हैं भले नॉर्मल दुकान पे जा रहे हैं, तो अपने साथ शॉपिंग के लिए बैग लेकर जाइए, जूट का या फिर कपड़े का बैग अपने साथ लेकर जाइए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्लास्टिक का बैग नहीं लेना पड़ेगा। शॉपकीपर जो हैं उनको इंसिस्ट करिए कि पेपर बैग के अंदर मुझे सामान दीजिए, ना कि प्लास्टिक बैग के अंदर। अगर आप दुकान वाले से प्लास्टिक बैग नहीं लोगे तो अगली बार वो प्लास्टिक बैग मंगवाएगा भी नहीं और उसकी जगह वो पेपर बैग्स का यूज़ करेगा। डिड यू नो में दिया गया है, पर इन 2009 द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ पॉलीथिन बैग। इट स्लैब्ड अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000 और 5 years इंप्रिजनमेंट और बोथ, सेज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दिल्ली सरकार ने लगभग 2009 में एक्ट पास किया जिसमें पॉलीथीन बैग पर बैन किया गया। अगर कोई दुकानदार इसको रखता है तो उसको ₹1,00,000 जुर्माना या फिर 5 साल तक की कैद भी हो सकती थी। तो इस प्रकार से सरकार भी कोशिश अपनी जगह पर कर रही है कि किसी तरीके से जो प्लास्टिक है उससे पीछा छुड़वाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। दूसरा, हम प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं। डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने पीने वाली चीज़ें स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करिए। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। प्लास्टिक बैग को इधर उधर मत फेंकिए यूज़ करने के बाद।
नेवर बर्न ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी चीज़ों को कभी भी जलाइए नहीं। डोंट डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स, जो कचमेंट होते हो प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के मत फेंकिए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, प्लास्टिक बैग्स के अंदर डाल के ही कचरे को डिस्पोज करते हैं। तो ये 7 स्टेप यहाँ पर बताए गए, अगर ये 7 हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक प्लास्टिक का उपयोग कम हो सकता है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। इन द लास्ट 2 डिकेड्स वी हैव चेंज आर एटीट्यूड टुवर्ड्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कंसिडरिंग देयर इम्पैक्ट ऑन आर लाइव्स। द बेसिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड फॉलोइंग द 3 R's। अब जो प्लास्टिक है उसके डिस्पोजल के बारे में हमने काफ़ी कुछ मतलब बदलाव किए हैं, काफ़ी हम जागरूक भी हुए हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जो पड़ता है उसके बारे में हम पता लगा है कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसके लिए हमने क्या किया है, इसको मतलब मैनेज किया है, फिर वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की है। इसके साथ साथ हमने जो 3 R जो थे हमारे पास, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इसका भी उपयोग किया है। द अबव अप्रोच हेल्प्स इन द फॉलोइंग। अब ये सब चीज़ें जो हमने की हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, इससे देखिए, एयर रिड्यूसेस एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन को काफ़ी कमी आई है इन चीज़ों में। दूसरा, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ट्रीज एंड मेटल्स, मेटल्स और ट्रीज, इन चीज़ों को कंजर्व करने में मदद मिली है। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अब नए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की जाती है, रिसोर्सेज का उपयोग होता है, वो भी कम हुआ है काफ़ी। प्रोवाइड्स हेल्दी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी और क्लीन हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं अभी सर्दियाँ आ रही हैं दिल्ली में, अभी से देखिए आप बड़े बड़े शहरों के अंदर कैसे जो पोल्यूशन लेवल है वो हाई होता जा रहा है। देन लास्ट वन इज़ सेव्स मनी, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, कि आज हर एक आदमी पैसा बचाना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा यहाँ पर आप बचा सकते हैं। वी मस्ट रिड्यूस द जनरेशन ऑफ गार्बेज एंड यूज इफेक्टिव मेथड्स फॉर इट्स डिस्पोजल। हमें गार्बेज को जनरेट होने से, यानी कि जहाँ से वो शुरू होता है, वही कम करना चाहिए, और इसके डिस्पोजल मेथड को भी और बेहतर करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप सब जानते होंगे, ये जो अभियान चलाया गया था ये एक क्लीननेस कैंपेन था, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, है ये 2014 में शुरू किया गया था। इट्स एम टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया क्लीन, एवरी इंडियन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, लेट्स प्लेज दैट वी शुड नीदर लिटर नोर लेट अदर्स लिटर। हम खुले में कोई भी व्यक्ति अगर लिटर करता है तो उसको रोकें और खुद भी ऐसा ना करें। वी शुड नॉट थ्रो अवे द थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल, जो चीज़ें रीयूज या रिसाइकल हो सकती हैं उनको हम फेंकें ना। इट विल हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड हेल्प टू कीप इंडिया क्लीन। तो इस तरीके से वेस्ट भी कम होगा और भारत जो है वो एकदम क्लीन, एक स्वच्छ साफ सुथरा देश, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा देश साफ सुथरा हो, वैसा जैसे हम कल्पना करते हैं वैसा हम देश बना भी सकते हैं। करना क्या होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ हमको ये जो गार्बेज है इसके प्रोडक्शन पर लगाम लगानी होगी, और इसके डिस्पोजल के जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको थोड़ा सुधारना होगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम था गार्बेज इन गार्बेज आउट। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी।